So students, let us talk about the activity of the physical conductivity. अब हम electrical conductivity के ऊपर एक activity करके देखते हैं. By a simple activity, we try to study about metals are good conductor of electricity. इसके लिए जो हमें procedure follow करना है, we will take a dry cell, a bulb fitted in a holder, connecting wires, और a copper wire ले सकते हैं जिसमें हम crocodile clips and a switch. इन सभी materials को हमने इकट्ठा करना है और उनको इकट्ठा करके हमने setup करना है उन सभी material को by making a electric circuit. उन सबको setup करके apparatus बनाएंगे in a इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन अ फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी इज अटैच टू द हियर, बैटरी इज अटैच विद अ बल्ब, देन की और अ स्विच, एंड देन हमने उनको एक बीच में छोटा सा स्पेस छोड़ा है. ये स्पेस किसके लिए, हमने यहां पे ये देखना है. और ये जो मेटल की वायर बनी है, ये वायर है, ये बनी है किससे, मेटल से. कनेक्टिंग वायर्स इज मेड बाय मेटल वायर्स. हमारा जो बेसिक सा यहाँ पर लॉजिक रहेगा एक्टिविटी का, वो ये रहेगा कि हमने जो वायर्स ली हैं, दीज आर मेड बाय द मेटल. अगर स्विच ऑन होने पे हमारे पास जैसे ही बैटरी की सप्लाई ऑन होगी और ये मेटल वायर अगर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेंगी टू पास थ्रू देम, देन द बल्ब विल ग्लो, अदरवाइज द बल्ब विल नॉट ग्लो. सो लेट अस टेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी. द बल्ब ग्लोज एट वंस व्हेन द स्विच इज ऑन. जैसे ही स्विच ऑन हुआ हमारा बल्ब ग्लो हो गया. ओके, तो इससे हमें क्या पता लगा, हमें यह पता लगा कि भाई हमारी जो मेटल वायर है, इट मीन्स मेटल वायर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, कि मेटल वायर ने अलाउ किया इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट. इट मीन्स वी कैन से दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो हमारे मेटल्स हैं दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और हमारा जो रिजल्ट आया ये भी यही है कि कॉपर मेटल हमने लिया था, कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी.